हेलो व्यूवर्स, एंजल जिंदगी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्रेड का मीठा रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था तो मैं भी इसे एक बार ट्राई की बनाने के लिए। ये बहुत ही यम्मी लगा खाने में। इसे बनाने के लिए हमें 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस चाहिए। आप इस रेसिपी को 2 ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं या 3 ब्रेड के स्लाइस के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पास ब्रेड के स्लाइस के बीच में हनी लगा दूंगी। उसके बाद एक तवा गरम करूंगी। गरम तवा पे हम लोग घी या बटर लगाएंगे और घी और बटर की हेल्प से इसे हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। इस रेसिपी को आप लो फ्लेम पे ही बनाएं, तभी हमारा ब्रेड अच्छे से क्रंची होगा और ये अच्छे से दोनों तरफ से पक जाएगा। जब हमारा ब्रेड दोनों तरफ से सिक जाएगा तो इसमें हम लोग ठंडा दूध डालेंगे और दूध को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार पूरा नहीं डालेंगे। ब्रेड हमारा दूध सोख लेता है और इसमें मैं लगभग 1 कप के करीब दूध डाली हूँ। जब हमारा दूध पूरी तरह से सिक जाएगा तो ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को मैं अपने से 2-3 बार ट्राई की हूँ अलग तरीके से। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करो। इसमें मैं दूध में ही चीनी डाल दी हूँ और उसके बाद इसे ब्रेड के ऊपर डालकर उसी प्रोसेस में बना लूँगी। और अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हो तो आप फर्स्ट वाला वीडियो का स्टेप फॉलो करो। अब ये हमारा अच्छे से दूध सोख लिया है पूरी तरह से। इसे मैं तब तक तवा पे बनाऊँगी जब तक कि मेरे दूध सिक ना जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जब भी जोड़ों का भूख लगी हो, कुछ खाने को नहीं हो, आप ब्रेड निकालो फ्रिज से और इसे झटपट बना लो। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है, बिल्कुल पेन की पुआ की तरह। और अब ये हमारा बन चुका है। अब हम लोग इसी में ऊपर से हनी डालेंगे। हमारा दूध में भी हनी था, अब सिंपली बिना चीनी का दूध डालकर इसे इस प्रकार से बनाकर ऊपर से हनी डालकर भी खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार से रेसिपी बनाकर लाती रहूं। थैंक यू गाइस।